अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये पोस्ट मेरे पास भी आई है और कुछ लोगों ने भी पूछा है कि जी रमज़ान जो है ना वो फलां अप्रैल की तारीख को आ रहा है। साथ ये लिखा है जी जो रमज़ान मुबारक की सबसे पहले मुबारकबाद देगा उस पे जन्नत वाजिब हो जाएगी, और जो इस मैसेज को हल्का जानेगा, हकीर जानेगा और छोड़ देगा उस पर मुसीबत आएगी। इस तरह की बातें, इस तरह के अक्सर मैसेजेस आते रहते हैं। ऐसे ही रबी अव्वल के बारे में भी मैसेजेस गर्दिश करते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही मैसेजेस जो हैं वो मुहर्रम के बारे में गर्दिश करते हैं। तो ये सब खुद साख्ता बातें हैं, लोगों की अपनी घड़ी हुई हैं, हकीकत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। जो इंसान शरीयत को थोड़ा सा भी जानने वाला है और दीन को थोड़ा भी समझने वाला है वो ऐसी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल कान नहीं धरता, और उसे पता होता है कि ऐसी चीज़ों का दीन से और दीन इस्लाम की रूह से कतान कतान सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है।